वेलकम बैक गाइस, आज से भाई हमारे चैनल की बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट हो रही है पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली है भाई, उसके अलावा वैसे भी मेरे को कुछ नहीं आता लैंग्वेज में। तो हाँ, काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है ये। अब यार ये ना गेम बिल्कुल डिफरेंट है बाकी पोकेमॉन गेम्स के मुकाबले, तो ये बिल्कुल ही कुछ अलग एक्सपीरियंस होने वाला है हम सब के लिए। और इसका तो भाई इंट्रो भी काफ़ी ओपी सा लग रहा है यार, अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। इस बार प्रोफेसर ओक ने कुछ नहीं बोला, मतलब या फिर किसी भी प्रोफेसर ने, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेलकम टू माई रेल्म लोकेटेड बियॉन्ड बोथ टाइम एंड स्पेस, ओके, इट इज़ वेल दैट दो आर्ट हियर। ये कौन बोल रहा है भाई? आई एम दैट विच ह्यूमन कॉल्स आरसीएस। ओ भाई, आरसीएस हम लोगों से बात कर रहा है। नाउ आई विश टू नो योर अपीयरेंस, ओके। अब हम लोग को अपना अपीयरेंस चूज करना है, तो आई गेस मैं ये फर्स्ट वाले के साथ जाऊंगा। हाँ यार, ये काफ़ी सही लग रहा है और मुझे ये कलर के बाल भी काफ़ी सही लगते हैं कैरेक्टर्स के, तो हाँ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना नाम डाल देते हैं। अगर तुमको नाम नहीं पता तो मेरा नाम सागर है, वैसे तो इस चैनल का नाम भी वही है, तो पता नहीं अगर तुमको कैसे नहीं पता हो सकता। ओके, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है। और बाय द वे, ये पोकेमॉन गेम का नाम है लेजेंड आरसीएस, अगर तुमको नहीं पता, और ये चलता है निंटेंडो स्विच पे। हाँ भाई, काफ़ी लोग पूछने वाले हैं, मुझे पता है, तो ये निंटेंडो स्विच पे चलता है। अ वर्ल्ड इनहैबिटेड बाय वंडरस क्रिएचर दैट ह्यूमन कॉल्स पोकेमॉन। यार ये तो भाई स्टार्टिंग वाला इंट्रो है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? हम लोग फुल भाई कहीं पे तो आ चुके हैं और कहीं से गिरने लग रहे हैं भाई। इसका इंट्रो सही में बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और हमारा फ़ोन भाई, कोई मेरा फ़ोन को बचा लो भाई, कोई मेरे फ़ोन को बचा लो यार, बेचारा कहाँ चला गया। ओ भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा मेरे को? ओ भाई, आरसीएस आ चुका है। ओ भाई, आरसीएस, बढ़िया, आरसीएस मेरा फ़ोन दिला दे भाई प्लीज़। इसने कुछ तो कर दिया हमारे फ़ोन को। ओ, इसने दे दिया भाई आरसीएस, अच्छा है भाई, हमारा फ़ोन नहीं लिया उसने, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया भाई। हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई आरसीएस से, ये क्या हो रहा है? आरसीएस भाई हमको कहीं लेके जा रहा है अपने साथ में। ओ भाई, लेके चला गया हमको अपने साथ में वो, पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस। ओके, तो ये इंट्रो था बेसिकली, काफ़ी सही लग रहा था। और इस गेम का इंट्रो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो आई गेस मैं थोड़ा बहुत स्किप करने वाला हूँ, और देखते हैं भाई अभी क्या होगा हमारे साथ। वेकअप, ओ ये कौन है? ओ डू यू वेकअप, वॉन्ट यू, कौन उठा रहा है भाई हमको? ओ भाई स्टार्टर, ये भाई हिसुई के स्टार्टर्स हैं। और बता दूँ, ये तो तुमको पुराने स्टार्टर लग रहे होंगे, लेकिन इनका जो फाइनल एवोल्यूशन है वो नया है। अगर तुमने नहीं देखा तो मत देखो भाई, गेम के अंदर ही देखना ज़्यादा मज़ा आएगा। ओ भाई, हम लोग उठ चुके हैं, काफ़ी सही लग रहा है भाई ये सीन तो। पता नहीं हम लोग कहाँ आ चुके हैं, शायद हम कुछ कहीं से तो भाई टाइम ट्रैवल करके आए मेरे ख्याल से। यू गेव मी क्वाइट द शॉक। ओ भाई, हम लोग आसमान से गिर के आए हैं। नहीं नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। यही पूछते हैं ना भाई, हम कहाँ पे हैं? ये प्रिल्यूड बीच है, ओके। नहीं नहीं, मेरी मेमोरी को कुछ नहीं हुआ भाई, मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। ओ भाई, ये बोल रहे हैं तुम्हारे कपड़े तो काफ़ी अजीब से लग रहे हैं, मतलब हाँ अनयूजुअल है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि देख सकते हो यहाँ के लोगों ने कपड़े अलग ही पहन रखे हैं ये प्रोफेसर ने। हाँ यार, ये बिल्कुल वही चीज़ है कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके आए हैं। और पीछे तुम लोग देख रहे होगे वो वाली जगह, वो कुछ तो माउंटेन है, काफ़ी सही लग रहा है भाई वो माउंटेन, और उसकी कुछ मिस्ट्री होने वाली है डेफिनेटली। ओके, मेरे को बिल्कुल नहीं पता भाई मैं यहाँ कहाँ रुकने वाला हूँ। तो ये बोल रहा है कि अगर तुमको नहीं पता कि रात कहाँ पर गुजारनी है, तो मे बी हमको कुछ रूम वगैरह दे देगा। अरे प्रोफेसर, कुछ तो मदद कर दो भाई बच्चे की। ओ आई सी, वेल नो जेंटलमैन वुड अबैंडन अ पर्सन इन सच नीड। हाँ भाई, ये बंदा सही है भाई, ये बंदा बहुत मस्त है, ये हमको रूम दे देगा। और सारे स्टार्टर्स देखो भाई, कितने क्यूट क्यूट स्टार्टर्स है भाई। और वैसे मैंने सोच रखा है मैं कौन सा स्टार्टर लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली भाई, मेरे को पोकेमॉन क्या होता है वो पता ही है भाई, पोकेमॉन गेम तभी खेल रहा हूँ जब पता है मेरे को। वॉट, दैट्स अ रिलीफ। ओके, इसको भाई बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि हम लोग आसमान से कैसे गिरे हैं। मैंने अपना नाम बता दिया इसको, मेरा नाम सागर है। आई डू अपोलोजाइज। अरे जा भाई। ओ, इसका नाम लेवेंटन है। ओके, मैं इसको थोड़ा स्किप करूँगा जल्दी जल्दी से, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा बकवास करता है प्रोफेसर। ओ भाई, स्टार्टर पोकेमॉन्स भाग गए, ये क्या था? माई डार्लिंग पोकेमॉन, वाई मस्ट यू रन फ्रॉम मी अगेन। ओ मतलब इससे भागते रहते हैं भाई पोकेमॉन। ठीक है ठीक है ठीक है, हेल्प कर दूंगा भाई, टेंशन, मतलब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है मेरे से, इतना भी बुरा नहीं हूँ। एक तो बंदा भाई मेरे को घर दे रहा है और ऐसे बोल रहा है, तो भाई मैं मदद करूँगा ही। ओ फाइनली मेरे पास कंट्रोल आ गया है, मैं कितना सही लग रहा है भाई। अच्छा, इससे हम लोग कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं और इससे करेक्टर्स, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। ये क्या चीज़ है,
ये क्या हो रहा है? ओ भाई, ये तो कुछ फ़ोन जैसी चीज़ है यार। ये क्या है? हम लोग इसको उठा सकते हैं क्या? हाँ हाँ उठा सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करना है भाई मेरे को। क्या है बताओ, ये क्या चीज़ है भाई ये? यू फाउंड समथिंग डेट रिजेंबल्स अ फ़ोन। क्या ये मेरा फ़ोन है? ओ ये मेरा ही फ़ोन है, बट इसका शेप वगैरह चेंज हो गया, कुछ तो मैसेज आया है उस पर। आर्क फोन, ओके। हम लोग को सारे पोकेमोन को ढूंढना है बेसिकली, ये ऐसे कुछ मिशन टाइप दिया है इस फ़ोन ने हमको। हाँ अरे मेरे को कैमरा मूव करना वगैरह सब आ चुका है। अभी मेरे को जाना है प्रोफेसर के पास। भाई देखो ये काफ़ी सही है, ये एक्चुअली भाई कुछ डिफरेंट है यार नॉर्मल पोकेमोन गेम से, इसीलिए मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये मेरा फर्स्ट निंटेंडो स्विच का गेम है भाई, बड़ी खुशी हो रही है यार खेल के, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या हो गया भाई इसको? येट अनदर मिस, क्या हुआ? होपफुली हो जाएगा। अरे वहाँ पे देखो ऑशो वॉट है, सबसे पहले ऑशो वॉट को ही पकड़ते हैं। ऑशो वॉट बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैं कैसे पकड़ूँ भाई, ये तो भाग रहा है मेरे से। अरे हाँ मैंने ट्रेलर्स में देखा भाई इसमें पोकेमॉन भागते हैं। ओह नो, मेरी दो पोकेबॉल वेस्ट हो गई। रुक जाओ यार, अब मैं इसको पकड़ के रहूँगा कुछ भी करके। ऑशो वॉट रुक जा बेटा, बस्ती बत कर भाई, सही बता रहा हूँ, मार डालूगा। ऑशो वॉट रुक जा भाई, ऑशो वॉट हमसे भागे जा रहा है, क्या हो रहा है? रुको 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 रुको, अब मैं पास में आ गया हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके पकड़ने में आ गया भाई। ये बहुत हार्ड था यार, सही भाई ये तो मेरे को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा यार, एक्चुअली बहुत हार्ड था यार इसको कैच करना। ओ वंडरफुल, यू कॉट अ पोकेमॉन, इट सीम्स यू आर क्वाइट द नैक फॉर दिस पोकेमॉन कैचिंग बिजनेस सागर, जॉली यूजफुल स्किल्स। भाई कहाँ देख, इसने मेरी स्किल्स नहीं देखी क्या? चार पोकेबॉल वेस्ट कर दी मेरे एक पोकेमॉन पे। रुको 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 रुको, बिल्कुल छुप छुप के पकड़ना है। ये ले ये ले ये ले, सिंडे सिंडेक्वेल प्लीज, सिंडेक्वेल आ जा भाई मेरे पास, रुक जा थोड़ा दूर से फेंकना पड़ेगा। ये बात भाई, सिंडेक्वेल ऑशोवॉट कितना मस्ती कर रहा था बेचारा भाई, यहाँ पे खड़ा हो गया, ये तो खुद चाह रहा था कि मैं इसको पकड़ूं। ये ले, अरे भाग रहा है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाई ये क्या कर रहा होगा, 40 पोकेबॉल तो कर दी भाई मैंने। अरे यार भाई आ जा पकड़ने में, एक सेकेंड ओके। ओ मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये ले पकड़ लिया भाई मैंने राउलेट को फाइनली। भाई अब मैं सीख गया हूँ ये चीज़। ओह नो, ये तो पोकेबॉल से बाहर निकल गया। यस आई एम अफ्रेड दैट कैन हैपन। हाँ वही बोल रहा है भाई, पोकेबॉल 100% मतलब वो नहीं होता कि वो पोकेमॉन को पकड़ेगा। हाँ सिर्फ मास्टर बॉल है ऐसी और गो की पोकेबॉल भी, बट कोई नहीं मैं इसको वापस से पकड़ लूँगा। देखो अब मैं सीख गया हूँ। हाँ अब फाइनली भाई देख सकते हो मैं सीख गया हूँ फाइनली कि कैसे करना है भाई इसको। पर यार ये कुछ बहुत मज़ेदार और नई सी चीज़ है भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया सही में ये करते हुए, काफ़ी मज़ा आया यार सही में। अब देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर लेवेंटन। लो भाई ले लो पोकेबॉल, मैंने सारे पोकेमॉन पकड़ के दे दिए भाई इनको, अभी हमको अपने गांव लेके जा रहे हैं। ओ हमने इसको अपना फ़ोन दिखाया है, सीक आउट ऑल पोकेमॉन। क्या बोल रहे हैं भाई लेवेंटन, ये भी कुछ देख लेते हैं। दैट ऑब्जेक्ट इज़ एन आर्क फोन, ओके। ये हमको भाई गाइड करता है ये आर्क फोन कि हमको क्या करना है। अभी इसने हमको मिशन दे रखा है कि हमको सारे पोकेमॉन्स को कैच करना है, और ये भी बोल रहा है कि मेरा भी यही ड्रीम है कि मेरे को सारे पोकेमॉन्स को मतलब रिकॉर्ड रखना है, सारे पोकेमॉन्स का इस वर्ल्ड का फर्स्ट पोकेडेक्स बनाना है। ओके मैं भाई पूरी मदद करने वाला हूँ, तेरी टेंशन क्यों ले रहा है भाई। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट पोकेमॉन वन मस्ट ऑफ कोर्स कैच देम, बिल्कुल भाई। ओ भाई इसको भी डर लगता है, लॉल भाई सबको ही डर लगता है यहाँ पे अगर तुमने ट्रेलर्स देखे लेजेंड आरसीएस के, तो भाई एक्चुअली यहाँ के लोग सब बहुत डरते हैं पोकेमॉन से, क्योंकि अब तक वो एकदम अच्छे से पहचाने नहीं है पोकेमॉन को, जानते नहीं है एकदम अच्छे से। पर हम भाई आए हैं और हमको डर नहीं लगता बिल्कुल भी भाई, पोकेमॉन मास्टर बन रखा हूँ मैं भाई। पहले तो मैं आ कहाँ पे गया हूँ यार पता नहीं। बाय द वे वैसे अगर तुमको नहीं पता ना, ये ओल्ड सिनो है, ओल्ड सिनो में आए भाई हम लोग अभी। ओ हमारा ध्यान गया उस पर। ये यार कुछ तो मिस्ट्री है, डेफिनेटली हमको पता चलेगी ये क्या है, आगे चल के पता चल जाएगा क्या है। हम लोग भाई विलेज में आ चुके हैं, और विलेज कितना ओपी लग रहा है भाई, कितना सही लग रहा है। थैंक यू फॉर योर टायरलेस वर्क कीपिंग अस सेफ माय गुड गार्ड्समैन, ओके ये गार्ड्समैन है, बढ़िया भाई बढ़िया, ये भाई हम सबको सेफ रखता है भाई। हम लोग गांव के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग खड़े हैं, और यहाँ पे हमारा आउटफिट भी एकदम अलग होने वाला है नॉर्मल पोकेमॉन गेम्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे लिटरली सब चीज़ डिफरेंट होने वाली है, तो डेफिनेटली भाई एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होगा हमारा। सो मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है ये गेम खेलने में, और तुमको देखने में भी मज़ा आना चाहिए होपफुली। दिस वे इफ़ यू प्लीज़, बिल्कुल भाई बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। अरे यहाँ से भी दिख रही है वो पहाड़ी, जुबिलाइफ विलेज, ओके। जो जुबिलाइफ सिटी थी ना सिनो के अंदर, अब वो जुबिलाइफ विलेज है, क्योंकि ये शायद से कुछ 2000 साल पहले का है। ओ भाई क्या बोल रहे हैं लोग, ओ नो
अगर तुम लोग ध्यान से इनकी बातें सुनो तो ये सब लोग बोल रहे कि भाई पता नहीं ये कौन आ गया है, और मतलब ऐसे बोल रहे हैं इसके कपड़े कुछ अजीब से ही लग रहे हैं, व्हाट मैनर ऑफ ड्रेस इज दैट। देख रहे हो भाई, चुपचाप बैठ जा भाई, मार दूंगा बुढ़ऊ, चुपचाप बैठा रहा वहीं पे, क्या हो रखा है भाई इनको। वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स यू नो, वो इज दैट विद प्रोफेसर। भाई क्या है इन बच्चों को, भाई पूरा गाँव क्या कर रहा है यार ये। अच्छा भाई हमको कैंटीन जाने के लिए बोल रहा है जो कि वहाँ पे है, कहाँ पे है वैसे मैंने वो ध्यान नहीं दिया अभी। योर आर फोन इज बीपिंग, सम हाउ इट सीम्स टू शो वेर यू नीड टू गो। अरे बढ़िया मैप दे दिया भाई इसने हमको, कोई नहीं अच्छी बात है। अभी मेरे को जाना है यहाँ पे, कहाँ पे जाना था मेरे को, वो कैफे में। पूरा गांव घूम के आ गया भाई मेरे को, अब जाके फाइनली मिला है कि ये मेरे बाजू में ही था और ये जो है ये हमको डायरेक्शन दिखा रहा था। ये वह क्या कर रहा था भाई पता नहीं, मैं पूरे गांव में घूम रहा था इतने टाइम से, ये बुढ़ा क्या कर रहा है भाई। वेल नाउ आरंट यू ऑफली सस्पिशियस, भाई बंदा हमको सीट ही नहीं दे रहा। और ये क्या है, ये कौन आ गई, ये डॉन है मतलब डॉन की एंसिस्टर होगी। हु आर यू, आई नेवर सीन एनीवन ड्रेस्ड लाइक यू आर। अरे यार हम लोग फ्यूचर से आए भाई, क्या बताया तेरे को, अभी तू रहने दे ठीक है ना। वट इफ़ यू आर अटैक्ड बाय अ पोकेमॉन, भाई देखो यहाँ सब लोग यही समझते हैं कि पोकेमॉन अटैक करने लग जाते हैं ऐसे। वैसे वो तो भाई नॉर्मल पोकेमॉन गेम्स में भी बोलते हैं कि बिना स्टार्टर के मत जाओ, पोकेमॉन अटैक कर देंगे। कोई नहीं कोई नहीं, इफ़ द गार्ड लेट यू थ्रू यू मस्ट हैव टाइज विद समबडी इन द विलेज। हाँ भाई बिल्कुल, हम प्रोफेसर को जानते हैं। ओके इसका नाम अकारी है, इट जस्ट इज अकारी सेज प्रोफेसर, इसका नाम अकारी है, चलो हमको पता चल गया, बढ़िया। बट एवरीथिंग विल बी क्वाइट ऑल राइट नाउ, सागर सागर हियर इज अग्रीड टू हेल्प अस विद पोकेडेक्स। एक्सक्यूज मी, यू प्लान टू अपॉइंट हिम टू द सर्वे कॉर्प्स, यू कैन जस्ट स्लैप अ बैज ऑन व्हेवर यू लाइक विदाउट कैप्टन सिलेंस परमिशन। भाई ये तो फुल रूडली बोल रहे हैं भाई, ऐसे मेरे मुंह पे क्यों बोल रही है भाई, पीछे पीछे बोल ले, इसे मेरे मुंह पे बेइज्जती कर रही है। ओके ये कैप्टन सिलेन है आई गेस, अज्यूमिंग द इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू, बहुत बढ़िया ये काफ़ी अच्छा था। ये बोल रही है भाई अगर बंदा कुछ कर सकता है हमारे सर्वे कॉप्स के लिए तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो स्ट्रेंजर हो या जो भी हो। प्रोफेसर लेवेंटन टोल्ड मी हाउ यू हेल्प सिक्योर इस पोकेमॉन व्हेन दे स्लिप दिस कंट्रोल। भाई तीनों को पकड़ के लाया हूँ, भले पोकेमॉन 15-20 खाली पता नहीं मैंने कितनी कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बोल रही है कि भाई हम मतलब ये हमको काम देगी, उसके बदले हमको खाना और रूम भी मिल जाएगा, बढ़िया है। यू लुक टू बी 15 और सो। हाँ इस गेम में हमारा कैरेक्टर बाय द वे 15 साल का है तो काफ़ी सही है, क्वाइट ओल्ड इनफ टू वर्क फॉर योर कीप। तू काम पे रख ले भाई बस हमको, ठीक है ना, काम पे रख तो ले। वी कैन सिंपली टेक ऑन अ स्ट्रेंजर हु वांडर्स इन अमंग अस विदाउट एनी आइडिया ऑफ देयर स्किल्स और ओरिजिन। अरे यार अब क्या करूँ भाई, पकड़ के तो दिखा दिया इसको पोकेमॉन मैंने। टुमारो वी शैल सी इफ़ यू कैन प्रूव योर सेल्फ वर्थी। भाई हमको मिलने वाला है अब कल कुछ तो मिशन मिलने वाला है हमको, जो कि इसके सामने हमको करना पड़ेगा शायद से। ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स क्वाइट ऑल राइट। आई प्रेफर टू ईट अलोन। भाई ये बहुत ही वैसी है भाई, ये बहुत रूड होने वाली है पक्का। ये प्रोफेसर खाने के लिए बोल रहा था तो बोलती है भाई मैं तो अकेले खाना खाती हूँ, चुपचाप जाके तुम खा लो कैंटीन वैंटीन जहाँ खाना है तुमको। ये भी भाई बोल रहा है एज ऑलवेज आई सी। वेल नो मैटर द रेस्ट ऑफ अस कैन शेयर अ मील एंड सम प्लीजेंट कॉन्वर्जेशन। हाँ भाई आ जाओ, बात करते करते खाने का मज़ा ही कुछ और है। वेर एग्जैक्टली डिड यू मीट आर विजिटर हेयर। वेल यू नो ऑफ द ग्रेट होल इन द स्काई। ओ भाई हम लोग उसके अंदर से गिर के आए हैं, मेरे को लगा मैं नॉर्मल ऐसे आसमान से गिरा हूँ। हम लोग जो देख रहे थे भाई इतने टाइम से वो ब्लैक होल टाइप का कुछ तो वो स्पेस और टाइम का रिफ्ट है और हम लोग उसमें से गिर के आए हैं। ये बोल रहे भाई सीरियस नहीं हो सकते तुम बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल सही बोलता है भाई, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं एकदम फैक्ट्स पर बात करता हूँ ठीक है ना, तो मेरा झूठ नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, झूठ मत समझो। यू ऑलरेडी नो देर आर मैनी पोकेमॉन्स इन हिस्ट्री। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं और जो सर्वे कॉप्स यानी कि जिसमें हमारी अब जॉब लगने वाली है ना, उसमें भाई पोकेमॉन्स को ऐसे रिसर्च करने का काम किया जाता है उन पे। वो बोल रहा है भाई पोकेमॉन बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली भाई। ठीक है यार देख लेते हैं, तो इनका डर निकाल देंगे भाई जल्दी, हम ही लोग हैं भाई जो इनका डर निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई मैंने 3 पोकेमॉन्स पकड़ के दिखा दिया तुम लोगों को। नोबडी इन द गैलेक्सी टीम इज कैपेबल ऑफ अ फीट सच एज दैट, दिस मीन वी कैन फाइनली बिगिन। ओ भाई ये भी सुन के चौंक गई 3, मतलब आज तक इनके सर्वे कॉप्स में ना या फिर जो भी टीम गैलेक्सी वो जो भी था उसमें आज तक कोई पोकेमॉन पकड़ ही नहीं पाया 3, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं रही। कोई नहीं भाई हम लोग वो करने वाले हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये साइलेंट जो है थी कैप्टन साइलेंट इसकी जॉब भी हड़प लूंगा, मैं बन जाऊंगा एकदम हेड।
खाना पीना भाई हमारा हो चुका है मज़े से। दैट वॉज क्वाइट डिलीशियस इनडीड। बिल्कुल भाई, काफ़ी टेस्टी खाना था। चखा तो वैसे मैंने कुछ भी है नहीं। ओके, हमको सर्वे कॉप्स ज्वाइन करने के लिए भाई अब हमको एक ट्रायल देनी पड़ेगी, मतलब अभी तो नहीं शायद से कल, अभी तो रात हो रखी है। नॉट टू वरी, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन सागर स्किल्स। बहुत बढ़िया प्रोफेसर भाई, सही बोल रहा हूँ, मैं फेल नहीं होने दूंगा भाई तेरे को, बिल्कुल पास होके आऊँगा मैं। लेट्स होप इट इज़ नॉट मिसप्लेस्ड। भाई क्या है तेरे को, अगर मैंने 3 पोकेमॉन पकड़ लिया ना, सबसे पहले इसी को आके मार दूंगा भाई, मैं पकड़ के दिखाऊंगा पोकेमॉन। भाई इस गांव में रहना है तो लेकिन इसकी बात माननी पड़ेगी, सागर वॉज इट, क्योंकि कैप्टन है यहाँ की। फॉर टुनाइट एटलीस्ट वी विल प्रोवाइड यू अ प्लेस टू स्लीप। ओके, ये हमको सोने के लिए एक जगह देने वाली है, ये काफ़ी सही चीज़ है। ओ भाई ये मिल रहा है हमको हमारा घर। ओ बोल रही है भाई, अगर हम लोगों ने पास नहीं किया ना कल का ट्रायल तो भाई निकाल देगी हमको गांव से, बाकी तुम मरो या जियो, जो करना है करो भाई, बाकी उसके बाद तो हमारे गांव से निकलो बस। भाई हमारा कैरेक्टर फुल डर गया यार, अब ऐसे बोल के जाएगा कोई, कौन नहीं डरेगा भाई। और गुड नाइट भाई, तेको भी गुड नाइट बहुत ज़्यादा। और मेरे को चेक कर रहे हैं हमारा घर कैसा है यहाँ पे, यस गुड नाइट। अब हम लोग को इन्होंने एक घर दिया है, सो हम वापस जाने वाले हैं। उससे पहले ये क्या हो रहा है, अ रिफ्ट इन द स्काई, पीपल फॉलिंग फ्रॉम इट, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज। भाई इसके पीछे ना गारंटी से बता रहा हूँ कुछ बहुत तगड़ी वाली मिस्ट्री है, जो कि मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमारा एक मिशन टाइप का बता करेंगे हमको, बाजू में देख सकते हो। अच्छा ये वाला घर है हमारा, अरे अरे कहाँ टकरा रहा हूँ भाई मैं, खाना खाया है मैंने, क्या करके आया है ये जो इतना नशे में चल रहा है भाई। देखते हैं हमारा घर कैसा है, मेरे को ये देखना है। ओ भाई बिल्कुल पुराने ज़माने का, अरे ऐसे घर भाई देखे होगे तुमने डोरेमोन वगैरह में, जब ऐसे पुराने टाइम में वो लोग जाते हैं जापान में, भाई ऐसे घर हुआ करते थे पुराने टाइम में, जो कि अब हमको मिल रखे हैं। यहाँ पर सोना है यार, सोने से पहले थोड़ा घर देख लेता हूँ ना, थोड़ा घर देख लेते क्या क्या है यहाँ पे। भाई घर मिला है कुछ, चोरी वोरी भी कर लेता हूँ इससे अच्छा। सर्वे टिप्स चेक कर सकते हैं इससे हम लोग, ठीक है। क्या मैं सीधा सोने चला जाऊँ, ठीक है सोते हैं भाई। खाना तो बना नहीं पा रहे यार, वो पोटैटो माची वाले ने भी खाना नहीं दिया और फिर खाने भी नहीं दे रहे यहाँ पे, कोई नहीं। अभी रात हो चुकी है और ये कुछ तो कट सीन आया हुआ है, क्या हो रहा है ये। ओ भाई ये क्या हो रहा है, बिडूफ और बाई बैरल देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हैं। ओ कुछ तो पोर्टल टाइप खुल रहा है। ओ भाई ये क्या था, ये क्या था भाई, क्या तगड़ी बिजली गिरी है वहाँ पे भाई। ये कुछ तो बहुत इंटेंस चीज़ होती जा रही है, कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती जा रही है। द नेक्स्ट डे, ओके सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। गुड मॉर्निंग सागर, आर यू अप, क्वाइट सम लाइटनिंग लास्ट नाइट वॉजेंट इट। ओ हाँ इसको पता चल चुका है भाई वो लाइटनिंग के बारे में, बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़ोर से गिरी थी, मैंने तो अपने घर में बैठी बैठी देख लिया। अब हमको कहाँ जाना है, गो टू गैलेक्सी टीम हेडक्वार्टर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये अब हमको वो कैप्टन सिलेन ट्रायल देने वाली है भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है, अगर हमने ट्रायल पास नहीं किया भाई वो मरवा देगी हमको गांव से बाहर निकाल के, मतलब वो नहीं मरवाएगी बट हाँ, मतलब फिर देख लो भाई कि क्या करना है तुमको, ऐसी बात है। अगर मेरे को गांव में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, लवली वेदर, वेदर कुछ नहीं है, मेरे को नींद तक नहीं आई है सोच सोच के, इतना खतरनाक तुमने ट्रायल दे रखा है मेरे को, ठीक है ना। और बोल रहे हैं अच्छे से सोए होंगे हम लोग, हैं इसके बाद कोई सो सकता है क्या। अब भाई हमको जाना है ये कैप्टन सिलेन के पास, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, देखते हैं अब ये क्या ट्रायल देने वाली है, जो भी होगा यार मैं कंप्लीट कर लूँगा। और ये ऊपर वीजिंग का तुमने वो चिमनी देखी क्या, वीजिंग की काफ़ी सही लग रही है यार वो, ये थोड़ा सा देर से ओपन होता है यार, थोड़ा जल्दी होना चाहिए भाई, इतना लंबा नहीं देना चाहिए यार इन लोग को ये। ओ भाई ये तो काफ़ी सही लग रहा है, ये वैसे मेरे को टीम गैलेक्टिक जैसा क्यों लग रहा है, ये सर्वे कॉप्स है या फिर टीम गैलेक्टिक। नीचे साइन देखो, डोंट गिव अप, कीप दोज आई ओपन, द वाइल्ड पोकेमॉन देवर एवरीवेयर अटैकिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, आई सेंट आउट माई पार्टनर पोकेमॉन बट अगेंस्ट अ होल पैक आउट नंबर्ड। ओके भाई ये बंदा पिट चुका है बहुत ज़्यादा गंदा पोकेमॉन से, कोई नहीं भाई हम लोग को ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये अभी बेसिकली हमको डरा रहे हैं भाई, ये हमको अभी जितना हो सके ना उतना डराने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जाना चाहिए यार, ये बंदा नहीं रहना चाहिए। ये डॉन की जो एंसिस्टर है ये भी भाई मेरे को सही नहीं लग रही, ये भी हमको भगाने का बहुत ट्राई कर रही है, खुद सर्वे कॉप्स में ज्वाइन हो गए तो ऐसा कर रही है। अरे भाई बाजू में कडावरा देख रहे हो, सॉरी आबरा देख रहे हो, इफ़ यू विश टू ज्वाइन द गैलेक्सी एक्सपीडिशन टीम प्रूव योरसेल्फ कैपेबल बाय गोइंग आउट इन द ऑब्सीडियन फील्ड लैंड्स। ओके बिडू स्टारली शिंग्स, ये तीनों पोकेमॉन सबको पकड़ने हैं, आराम से पकड़ लूंगा टेंशन मत ले भाई तू। कैचिंग 3 पोकेमॉन फ्रॉम द स्टार्ट, नो वन इन द गैलेक्सी टीम हैज एवर मैनेज्ड दैट। ओ भाई आज तक किसी ने इनकी गैलेक्सी टीम में 3 पोकेमॉन नहीं कैच किए,
ओ भाई यार, मेरे को लग रहा है इसको विश्वास नहीं हो रहा। ये बोल रहा है ये कि भाई वो जो प्रोफेसर था वो ऐसे ही भाई बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा इसके ख्याल से, मतलब इसको ऐसा लग रहा है। इसीलिए भाई ये ट्राई करना चाहती है कि अगर इसने कल कैच किए होंगे तो आज भी कर ही लेगा ना। ठीक है भाई, इसका मुँह पे मारूंगा तीनों की तीनों पोके बॉल्स, तो रुक जा। ठीक है, सर्वे कॉप सैचल दे रही है हमको। ठीक है, दे दे भाई, दे दे। अच्छा ऐसा दिखता है भाई सर्वे कॉप्स सैचल। यार ये मेरे कपड़ों पे सूट नहीं कर रहा भाई, प्लीज़ मेरे को यूनिफॉर्म भी दे दे। द सैचल डजंट एग्जैक्टली मैच योर मोड ऑफ ड्रेस। बिल्कुल भाई, प्लीज़ यार अपने ऐसी ड्रेस दिलवा दे भाई मेरे को इन लोगों से। अकारी चुपचाप बैठी रहे, ऐसा बोलना चाह रही है लगता है ये। आई एक्सेप्ट यू टू स्टेप इन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा ये हमारे साथ चलने वाली है द गैलेक्सी टीम्स एंट्री ट्रायल, ये हमारा सबसे पहला मिशन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले वाले पे चलते हैं। पैड एंड सागर कम विथ मी अ मोमेंट। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या ये हमको स्टार्टर्स देने वाले? आई गेस ये हमको स्टार्टर्स देने वाले। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यही तीन हमने स्टार्टिंग में देखे थे। यार राहुल कितना प्यारा है भाई, संडे कोइल भी कितना प्यारा है, ऑशो वॉट भी कितना प्यारा है। यार मैं बिल्कुल चूज नहीं कर पा रहा कौन से पोकेमॉन को लूँ यार मैं। भाई सब पोकेमॉन मेरे को इतने सही लगते हैं, मैं नहीं ले सकता भाई इसको। राउलेट का अगर एवोल्यूशन पुराना वाला होता ना, मैं डेफिनेटली राउलेट ले लेता, लेकिन फिलहाल भाई सेंडेक्विल के साथ जा रहा हूँ मैं। इसका भी एवोल्यूशन मैंने देख रखा है, लेकिन हाँ आई गेस वो सबसे बेटर है भाई तीनों में से मेरे लिए तो। और ओशोवॉट मैं नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, सेंडेक्विल कितना प्यारा है भाई। चलो हमारा फर्स्ट स्टार्टर पोकेमॉन तो काफ़ी सही लग रहा है भाई मेरे को। एंड विद दैट वन ऑफ द पोकेमॉन यू कॉट एट प्रिल्यूड बीच फॉर मी। ओ ये अब हमारा हो चुका है भाई, बोल रहा है कि जो तुमने मेरे लिए पकड़ा था अब वो तुम्हारा ही पोकेमॉन बन चुका है। बाय द वे वैसे भी इसमें इतनी दिक्कत नहीं है स्टार्टर्स की, तुमको अगर नहीं पता ना इसमें स्टार्टर्स वाइल्ड में मिल जाते हैं, तो हम लोग पकड़ सकते हैं बाद में स्टार्टर पोकेमॉन्स को। दिक्कत मतलब पिकाचू वगैरह सब पकड़ेंगे भाई, जो भी पोकेमॉन तुमको पसंद है, क्योंकि इसका मेन काम तो इस गेम में पोकेमॉन्स पकड़ना ही है भाई। बैटल वगैरह तो इसमें शायद बहुत कम होंगी मेरे को ऐसा लग रहा है, बैटल्स जिम वगैरह ये सब नहीं होने वाला इसमें। मन कर रहा है इनको भी ले जाओ अपने साथ। और राउलेट तो भाई अलग ही लेवल पे, जब से ऐश के राउलेट को देख रखा है ना भाई, राउलेट बहुत पसंद आ गया है मेरे को। हाँ मेरे को भाई ऑब्सीडियन फील्ड्स में जाना है, और तीन पोकेमॉन जो उसने मेरे को बताए हैं वो है शाइनी, क्या बोल रहा हूँ मैं, शिंग्स, स्टारली और बिडूफ। गॉड पोकेमॉन भाई पहले बार में पकड़वा रही है, ये तो चीटिंग होगी थोड़ी सी। कोई नहीं, हम लोग पकड़ लेंगे फिर भी। चलो भाई अब जरा पोकेमॉन पकड़ने चलते हैं ऑब्सीडियन फील्ड में। गाइज हमारी फर्स्ट पोकेमॉन बैटल होने जा रही है, और यहाँ पे इसने निकाली है टोगपी। भाई मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, सिंडेकुल जा भाई जा, इससे लड़ और उसका मुंह तोड़ दे। अरे यार ये कितना डिफरेंट लग रहा है, और अगर तुमको नहीं पता ना, हाँ देखो मैं ऐसे चल सकता हूँ इसमें। अरे टोगपी भाई मत आ मेरे पास, सिंडेकुल से पहले मैं मार दूंगा तुझे, मस्ती करो भाई। नहीं मारेंगे सिंडेकुल को, नहीं टोगपी को नहीं मारेंगे, मैं फुल एकदम पास से सीन देखूंगा। क्या गंदा मारा है भाई मेरे सिंडेकुल को, कोई फर्क नहीं पड़ता टोगपी है या कौन है। ठीक है एक और कोई अटैक मार भाई, मुंह तोड़ इसका, मेरे को चैलेंज करेगा, रुक जा ये वाला एंगल ज़्यादा सही रहेगा। अरे भाई मेरे सेंडेक्विल को क्या गंदा मार रही है, एक और कोई अटैक और ख़त्म कर भाई इसको जल्दी से सेंडेक्विल, वरना मार मार देगी हमको। बहुत बढ़िया सेंडेक्विल भाई हमारा फुल खतरनाक पोकेमॉन है। बस हार गया, बस यही था भाई। चैलेंज ऐसे करते हैं कि क्या भाई क्या कर देंगे, हमारा चैलेंज मत किया कर आइंदा से, ठीक है मेरे को लेवल 6 पे। ओ भाई इतना जल्दी, और न्यू मूव आ गया। ठीक है सिखा देंगे भाई इसका क्या न्यू मूव है। ये कितना खुश हो रहा है भाई, ये झूठी खुशी मत दिखा, तू हार चुका है ठीक है ना, हार गया तो रो थोड़ा सा बैठ के चुपचाप से। मूव सिखाना सिखा रहा था वैसे ये हमको, कैसे भाई अपने पोकेमॉन को हम मूव सिखा सकते हैं वो सब मैं कर लूँगा। ठीक है तू निकल यहाँ से चुपचाप से, मैं सिखा दूंगा उन सबको मूव। यू ऑब्टेन्ड 5 पोशंस, हमको पोशन मिल चुके हैं, और देखो यहाँ पे पोशन 60 HP बढ़ाते हैं, ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वैसे नॉर्मली तो शायद 20 या ऐसा कुछ रिकवर करते हैं, ये बढ़िया चीज़ है भाई, पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ये साबित कर दिया भाई ये पोशंस ने। 20 HP से 60 HP सीधा, दैट्स रियली समथिंग भाई। पोकेमॉन भी कैच कर सकता हूँ मैं, लड़ भी सकता हूँ। अब हमको ऑब्सीडियन फील्ड लैंड्स पे जाना है, चल भाई ऑब्सीडियन फील्ड लैंड्स पे चलते हैं। इसने बोला है भाई मेरे को जहाँ भी जाना है मेरे को इसको बता के जाना पड़ेगा। ठीक है यार बता देते हैं, योर सागर करेक्ट, हाँ भाई मैं सागर ही हूँ, मेरे को जाना है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेरे को साइन दे रखा है, ये मैप कितना मस्त लग रहा है पुराने ज़माने का। यहाँ पे चलते हैं, कुछ तो कैंप लिखा आता है वहाँ पे, ऑब्सीडियन कैंप्स ऐसा कुछ तो था, तो हम किसी कैंप वाली जगह पे जा रहे हैं आई गेस। ओ भाई कितनी ओपी लग रही है यार ये जगह, काफ़ी मस्त है, बढ़िया। दिस इज आर बेस कैंप। ओ यू मस्ट 3 स्पीशीज ऑफ पोकेमॉन बिडूफ स्टारली शिंग्स,
आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? बिल्कुल भाई। ओ प्रोफेसर इज समथिंग रॉन्ग? अरे भाई तू क्यों मेरा पीछा करता रहता है हमेशा? भाई ये तो बस थोड़ा सा हमको कह सकते हैं मोटिवेट करने आया था भाई, बाकी और कुछ नहीं था इसको। ठीक है निकल लेते हैं हम लोग जल्दी से। यार ये कितना सही लग रहा है भाई गेम, भाई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है सही में। ये कहाँ पे आ गए हम लोग? ऑस्ट्रेलियन फील्डलैंड्स, दिस इज एस्पिरेशन हिल। ओके एस्पिरेशन हिल, हिल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एस्पिरेशन हिल है ये। भाई कितना सही लग रहा है, और ये लिखा हुआ देखो कितना मस्त लिखा है, ऑस्ट्रेलियन फील्डलैंड्स। अगर ऐसा आएगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। ये गेम भाई मेरे को अभी से बहुत मेरा फेवरेट टाइप बनता जा रहा है पोकेमोन में। बिडूफ भाई, सबसे पहले बिडूफ मिल गया, चलो अब इसी को पकड़ लेते हैं जल्दी से। द की इज़ टू एम केयरफुली। अरे बस कर भाई, सीख चुका हूँ मैं पूरा, अब ये सब नहीं सीखना भाई, फुल आ गया है मेरे को। चलो यार अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको पकड़ना है बिडूफ। देखो वो खड़ा वहाँ पे, पकड़ लूँगा मैं इसको, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बिडूफ बिडूफ ब्रो पकड़ने में आ जाओ जल्दी से, छुप छुप के पकड़ूंगा। अरे यार यहाँ पे कहाँ पे छुपूँ भाई मैं, मैंने देखा है यार छुप छुप के पकड़ सकते हैं पोकेमोन्स को, बट मैं छुपूँ कहाँ पे? ये ले भाई, ये क्या था, ये पकड़ने में आ रहा है क्या? अभी पटाखे फूटेंगे अगर पकड़ने में आ गया। हाँ भाई पकड़ने में आ गया भाई, कितना सही था, मैंने तो सीधा मुँह पर जाके पकड़ लिया भाई, फिर लोग ऐसे छुप छुप के क्यों पकड़ते हैं पता नहीं। अब नेक्स्ट पोकेमोन को पकड़ते हैं भाई, सीधा मुँह पर जाके पोकेबॉल फेंकी है मैंने गॉड पोकेमोन बिडूफ के, बढ़िया मज़ा आ गया। हाँ स्टारली स्टारली भाई बहुत सही, स्टारली तो बड़ी क्यूट लगती है भाई, आई गेस मैं इसको टीम में रखूंगा। अगर सिनो में हो स्टारली नहीं पकड़ा, ओके ये हमको कुछ बता रही है, वो मैं अपना डायलॉग बाद में मारूंगा। अच्छा यहाँ से क्राउच करके जाना है हमको, ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया मैं। डॉन बहुत बढ़िया, पहली बार किसी ने काम की चीज़ बताई है भाई इन गेम्स में एक्चुअली भाई, मतलब ये काम का होता है। बाकी नॉर्मल पोकेमॉन गेम्स में तो सब पता होता है हमको कैसे पकड़ना है, फिर भी ज्ञान देते रहते हैं फालतू का। मैं बिल्कुल छुप छुप के जाऊँगा। ओके अरे यार वहाँ तक तो एम जा ही नहीं रहा भाई, ये पोकेबॉल का एम कैसे करते हैं, एक वेस्ट हो गई। ये क्या था, रुको 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 रुको, रुको। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, स्टार्ली कुछ नहीं, हिलना नहीं तुझे, हिलना नहीं है। ये ले भाई ये था, कुछ छुपने की जरूरत नहीं है, मुंह पे मार दो बस उनके पोकेबॉल पकड़े जाएंगे। और ये भाई हमारे पटाखे भी फूट गए, बढ़िया। इस गेम में बहुत नई नई चीज़ें होने वाली हैं, सो तुम देखना यार ये सीरीज़ ज़रूर देखना भाई, प्लीज़ पूरी सीरीज़ देखना बिल्कुल। ओके हमको ये बेरी वगैरह भी निकालनी है इसमें से, जो कि हमको अपने पोकेमोन को निकाल के करना है। हाँ ये चीज़ मैंने देख रखी है, बट ये कैसे करते हैं भाई, ये मेरे को नहीं आ रहा। ओके ऐसे, अब मैं इसको बाहर कैसे निकालूं भाई, इसको बाहर निकालना मेरे को ज़रा सीखना पड़ेगा, क्या करूं मैं? एक्स बटन से तो ये चेंज हो रहा है, फिर मेरे को इसको बाहर कैसे निकालना है, रुक जाओ दो मिनट बस। क्या ऐसे कर सकता हूं मैं? ओके देयर वी गो, हो गया भाई बहुत बढ़िया, और इसने बेरीज निकाल दी। अच्छा अब मैं बिल्कुल समझ गया हूँ भाई ये कैसे करना होता है। देखो मैं आपको वापस से निकालता हूँ, ये भाई सिंडेक्वेल, ये मेरे साथ नहीं चलेगा क्या? ओ भाई सिंडेक्वेल क्या वहाँ पे खड़ा हुआ है, फॉलो तो कर मेरे को, शायद इसमें पोकेमॉन फॉलो नहीं करते यार, ये फीचर गलत है भाई, मेरे को फॉलोइंग पोकेमॉन चाहिए थे भाई। कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं इससे, जाने दो यार वापस ले लेता हूँ चुपचाप पोकेबॉल में, वापस आ जा, मैं बाद में करूँगा भाई पक्का। मैं प्यार करता हूँ अपने पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा, ठीक है? पॉल जैसा नहीं हूँ भाई मैं यार, इससे डर लग रहा है भाई। शिंग्स एज एन अग्रेसिव डिपोजिशन, हाँ मेरे को ये ऑलरेडी पता है ट्रेलर देख के। ये हमारा कैरेक्टर कैसा है भाई, कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं देता, बस हूँ हाँ सर हिलाता रहता है। ओ ये हमको इसने नई चीज़ सिखाई कि जितनी ज़्यादा ये ऐसे लाइन ग्रीन कलर की होगी और ऊपर ऊपर होगी उतना चांसेस ज़्यादा होंगे पोकेमॉन को पकड़ने के, ठीक है? और उनसे बैटल भी करनी पड़ेगी हमको, मतलब कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जिनसे बैटल करनी ही पड़ेगी हमको, ऐसे डायरेक्ट उनके मुंह पे पोकेबॉल नहीं मार सकते हम लोग, जिनके ऊपर एक्स का साइन आएगा उन पे उनसे बैटल करनी है हमको बेसिकली, कुछ ऐसा था मेरे को पता है इसमें ऑलरेडी। ठीक है हम सीख गए हैं। शिंग्स ओ भाई देख लो कितना गुस्से वाला है भाई वो बंदा, नहीं 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 शिंग्स 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 मैं मस्ती कर रहा हूँ ब्रो, दूर रहे मेरे से थोड़ा सा। अरे भाई क्या कर रहा है, क्या मैं यहीं पर इसके पोकेबॉल फेंक दूँ? अरे 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 भाई शिंग्स तो पीछे पड़ रहा है मेरे, ये मार देगा क्या मेरे को, क्या हो गया? अरे मैं लीव नहीं कर रहा भाई, उससे बचने के लिए भाग रहा हूँ, ये मार सकता है ना मेरे को, मेरे को ये कंफर्म नहीं है अभी। अरे यार भाई सामने तो आ मेरे एम के, आजा 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 आजा, ये ले फेंकूँगा मैं। अच्छा इसको हम नहीं पकड़ सकते, इसके साथ हमारी बैटल लग गई है, चलो कर लेते हैं बैटल, हमारा क्या जा रहा है। ले भाई एम्बर खा सीधा तेरे मुँह पे, एक एम्बर की पावर देख रहा है, क्विक अटैक भाई इससे कुछ नहीं होता मेरे को। ये क्या था भाई, क्विक अटैक की पावर इतनी ज़्यादा और डबल इसने मूव यूज़ किया, शायद मैं समझ गया उसने क्या किया है। इसमें बेसिकली दो स्टाइल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्टाइल और एजाइल स्टाइल, तो ऐसे ही कुछ इसने किया था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि एक स्टाइल में ना एजाइल स्टाइल होती है शायद से वो, जिसमें डबल बार मूव हिट कर सकते हैं, कुछ तो होता है भाई मैं भूल चुका हूँ वो चीज़, मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ, ट्रेलर में मैंने देखा था वो।
पकड़ लिया, बस एक हिट था भाई, बस पकड़ लिया हमने शिंक्स को। ओ भाई पसीने छूट गए भाई बंदे के। यू अप्रोच दोस पोकेमोन विदाउट अ हिंट, भाई बोल रही है तू आसमान से गिरा हुआ एक गिफ्ट है हमारे लिए। भाई ये क्यों मेंशन कर रहे हो तुम बार बार कि मैं आसमान से गिरा हुआ हूँ? ठीक है ना, आसमान से गिरा तो ठीक है, दिस इज वंडरफुल। अरे भाई अब इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये वही बंदी थी भाई जो इतना रूडली बात कर रही थी कल। अब मेरे पोकेमोन पकड़ने की स्किल देख के देखो कैसे लाइन मार रही है भाई हम पे। निकल यहाँ से चुपचाप, हम बात ही नहीं करने वाले भाई अकारी वकारी इससे, इससे दूर रहो भाई, वही ज़्यादा अच्छा है। In time you able to send Pokemon you caught to live, you can bring up to 6 Pokemon. Oh भाई बोल रही है कि आज तक ऐसा कोई skill वाला बंदा रहा ही नहीं जिसने 6 Pokemon अपने पास रखे हैं। अरे भाई यार मैं ही हूँ वो पहला बंदा, ठीक है जो ये सब करने वाला है, तू बस देखती जा डॉन। अब हम लोग को चलना है टीम गैलेक्सी एंट्री ट्रायल, मतलब वो साइलेंट के पास, कैप्टन साइलेंट के पास, कैप्टन सिलेंट। ठीक है मैं अपनी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ उसको मैंने क्या किया है भाई। अब देख रहे हैं उसके मुंह पे जाके पोकेबॉल मार सकता हूँ, काश ये ऑप्शन दिया होता है इन लोगों ने, मैं मुंह पे जाके पोकेबॉल मार देता भाई उसके। ज़्यादा वो करी थी ना कि एग्जैजरेट कर रहा है वो प्रोफेसर, अब देखेगा देखो। इट सीम्स वी वॉन्ट हैव टू लीव यू, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन यू पास योर ट्रायल। भाई रात भर सोया नहीं था भाई मैं यही सोच सोच के कि हमारी ट्रायल पूरी होगी कि नहीं, मरने के लिए छोड़ देती भाई, वरना ये बंदी कितनी वो है, अपने काम के लिए रख लिया और वैसे मेरे को मरने के लिए छोड़ रही थी। ये क्या दिया इसने? ओ सर्वे कॉप्स यूनिफॉर्म और सैंडल्स, क्या मैं अभी पहन सकता हूँ? प्लीज़ 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 मेरे को पहनने दो भाई। प्रेजेंट योर सेल्फ इन यूनिफॉर्म टू आर कमांडर, ओ ये कैप्टन है, इससे ऊपर भी कोई है? एक सेकेंड, अगर ये टीम गैलेक्टिक का कुछ लग रहा है तो क्या ये साइरस होने वाला है कमांडर, मतलब उसका एंसेस्टर? मे भी हो सकता है भाई, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर ऐसा हो गया तो, लेट्स सी, देखेंगे भाई वो भी हम लोग। ये मेरा घर है ना, ठीक है यहाँ जाके कपड़े चेंज करने हैं मेरे को, बढ़िया। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, यही होता है भाई हर पोकेमॉन गेम में, अब तो जान गए इतना हम लोग। चेंज आउटफिट, बिल्कुल भाई मेरे को आउटफिट चेंज करनी है मेरी। टाइम टू पुट ऑन योर सर्वे कॉप्स यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है? टोपी तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं टोपी। कपड़े दो भाई, कपड़े कहाँ हैं मेरे? अरे अच्छा ये फुल, अच्छा ये किमोनो टाइप वाले साइन में आता है ये, मेरे को लगा ये नीचे आएगा मतलब वहाँ शर्ट में। सर्वे कॉप सैंडल भी डाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। ओ भाई ये क्या है, ये सैंडल मेरे को लगी रहे थे, वो डॉन ने पहन रखे थे तब भी काफ़ी अजीब लग रहे थे, मतलब डॉन नहीं भाई अकारी है उसका नाम, सॉरी अकारी। भाई फुल तैयार हो चुके हैं, यू चेंज इट योर सर्वे कॉप्स यूनिफॉर्म। भाई देख रहे हो दो दिन पहले बंदा आया है और फुल भाई माहौल में ढल चुके हैं हम लोग इस गाँव के, अब हम भी एक इस गाँव के निवासी बन चुके हैं, मज़ा आ गया भाई सही में। ओ वापस भी आ गए हम लोग, अब भाई मैं भी डॉन जैसा लग रहा हूँ, लुक हाउ वेल योर, अरे हाँ भाई भाई बहुत बहुत जच रही है भाई मेरे भाई यूनिफॉर्म, मेरे को पता है। कैप्टन सिलेन क्या हो गया? यू मे वियर दिस एज वेल, क्या हो गया, क्या दे रही है? अब भाई मेरा फुल आउटफिट जो है ना वो अब कंप्लीट हुआ है, जाके ये टोपी के बिना कंप्लीट नहीं होता भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए। मज़ा आ गया भाई, अब हम लोग फुल बन चुके हैं यहाँ के एक मेंबर सर्वे कॉप्स के। अच्छा अब हम लोग को जाना है कमांडर कमांडो के पास, उसकी ऑफिस में थर्ड फ्लोर पे है वो। नहीं नहीं अब मैं नहीं जाने वाला भाई, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करने वाले, मैंने फर्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लिया है, सो इसके आगे हम लोग करेंगे अब कल, और हाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, नहीं शायद से सेकंड एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली गाइस आज ही आने वाला है, सो जस्ट वेट करो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और मैंने यही नहीं देखा था सेव कैसे करते हैं, पहले मेरे को सेव करना सीखना पड़ेगा, कहाँ गया भाई सेव कैसे करते हैं भाई इस गेम को। हाँ तब तक मैं सेव कर रहा हूँ, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और हाँ आज ही आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, सो वेट करो जल्दी से। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।